हाय दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सोनवी सिंह सोनी। दोस्तों आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। तो ये हमारी मैराथन वीडियो है, ये चौथी वीडियो है मैराथन की। मैंने तीन ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो ये चौथी मैराथन वीडियो है। और आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी बीच में मैं अब आया हूँ आपकी मैराथन क्लास लेके। तीन ऑलरेडी डाल चुका हूँ, ये हमारी चौथी मैराथन क्लास है। तो और मैंने बाकी का टेस्ट डाल दिए हैं, 27 टेस्ट डाल चुका हूँ। और अभी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 40 टेस्ट कंप्लीट डालूँगा। तो 40 टेस्ट में अभी 13 टेस्ट बचे हैं, वो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ। आपको 2-3 दिन में ये दिवाली से पहले पहले आपको ये सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। तो आपको जीएस के लिए कहीं पे नहीं भटकना है। जितना भी है मैंने 40 टेस्ट कराए हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर के हैं सारे के सारे क्वेश्चन। और हर टॉपिक से कम 50 से 70 क्वेश्चन हर सेट, मतलब पूरे ओवरऑल पूरे सेट में। तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कैसे भी कहीं से भी आ जाए। वो बात अलग है कि वो किसी से नहीं आएगा तो किसी से भी नहीं आएगा। ज़्यादातर मैक्सिमम आपका 99% इसमें से आपका क्वेश्चन रिपीटेशन वाले मिल जाएंगे। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले जो भी हमारे टेस्ट का नोटिफिकेशन रहेगा, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली जो वीडियो हो गए है उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। और 14 नवंबर का जिस जिन जिन लोगों का भाई एग्ज़ाम है, उन लोगों को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक है। और आपको 12 नवंबर तक आपको सारे के सारे टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे इस चैनल पे। और आपका जो मैराथन वीडियो है कम्प्लीटली, आपको 4-5 या मैराथन मिलेंगी, ये भी आपको देखनी है। आप खुद देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं, और आपने कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर में पढ़े होंगे। तो अब वो ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लच्छू महाराज एक प्रसिद्ध हैं। तो लच्छू महाराज जी हमारे कथक नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, टिस्को शुरुआत कब हुई थी? टिस्को की शुरुआत हुई थी 1907 में। नेक्स्ट है, उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपके ये तबला वादक से संबंधित थे। नेक्स्ट है, सकरात उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अछूत यानी अनटचेबल ये किसकी बुक है? ये तो ये आपकी मुल्क राज आनंद की ये बुक है। नेक्स्ट है, अमृतवर्षा किस किस स्टेट में होती है? तो ये आपके केरल और कर्नाटक का राज्य में होती है। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा का कार्य करती है? तो ये आपका पाक जल डमरू मध्य, ठीक है जी। आपका नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर क्या था? तो मोंगा आपका शुभंकर है 37वें राष्ट्रीय खेल का। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार 2016 में गुलाबो सफेदा को कालबेलिया जो डांस है उसके लिए, जो गुलाबो सफेदा है उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो कालबेलिया आपका जो डांस है नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आपका ये राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की पीड़ा किस देश से ली गई है? तो ये आपका आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट है, शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है, जो सर्दियों में जो वर्षा होती है वो किस राज्य में होती है? जो ज़्यादातर जो स्टेट है आपका, ऑप्शन में केरल नहीं दिया था तो तमिलनाडु दिया था, तो आपका तमिलनाडु राज्य में होती है, वरना अगर देखी जाए तो केरल राज्य में भी होती है, लेकिन ऑप्शन में था नहीं तो तमिलनाडु था ये। नेक्स्ट है, भारत रक्षा अधिनियम कब आया था? तो ये आपका 1915 में। नेक्स्ट है, बसंत ऋतु के आगमन पर बोड़ा गाँव बागुदुम्बा को मधुर गायन से झूम उठ जाता है? तो जो बोड़ो गांव है बागुदम्बा के मधुर गायन से झूम उठ जाता है। नेक्स्ट है, बस्तर गोंच त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मिश्रित समृद्ध संस्कृति की आपकी मनाया जाता है ये आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। नेक्स्ट है, अदिश राशि है, अदिश राशि आपकी दूरी और चाल है। नेक्स्ट है, रिवॉल्यूशन 2020 में ये बुक लिखी गई थी, तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आपका रिवॉल्यूशन 2020 यानी चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी जो नृत्य है
तो उनमें चार सदस्य, चार व्यक्तियों के नाम दिए थे, तो उसमें से चुनना था कुचिपुड़ी डांस से कौन संबंधित है। तो आपका पी रमादे भी आपकी कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपका यह है 29 अगस्त को। नेक्स्ट है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो आपका खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज फहराया गया था, 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा। नेक्स्ट है, सन 2009 में ऑस्कर अवार्ड किसको मिला था, तो ए आर रहमान जी को ऑस्कर अवार्ड मिला था सन 2009 में। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला किस राज्य में, तो ये आपका राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है आपका, जो भानु जी हैं वो किस नृत्य से और किस घराने से संबंधित है, तो आपका ये जयपुर घराने से संबंधित है और इनका जो नृत्य है वो कथक है। नेक्स्ट है, राग दरबारी के लेखक थे, तो राग दरबारी के लेखक थे श्रीलाल शुक्ला। नेक्स्ट है, मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है या किसे जाना जाता है, तो ए आर रहमान जी को जाना जाता है, मोजार्ट ऑफ मद्रास। नेक्स्ट है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है, किसकी है ये आपकी अदन्नुति रॉय की। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा ऊँट मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान के पुष्कर जिले में लगता है सबसे बड़ा ऊँट मेला। नेक्स्ट है, अनटचेबल ये किसकी बुक है, तो ये मुल्कराज आनंद की है। तो दोस्तों ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन, ये यहाँ भी है, यानी कि ये दो शिफ्टों में आया है, तो मैंने दूसरी बार लिखा है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में, तो आपका उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट है, मार्च 2023 तीसरी बार IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की, तो ये आपके भारत ने। नेक्स्ट है, पंडिता की उपाधि किसको है, तो रमाबाई सरस्वती को। नेक्स्ट है, तूतीय हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। और ये किस आपके किस राज्य से था अमीर खुसरो, तो ये आपका यूपी के एटा जिले से था। नेक्स्ट है, लद्दाख में कौन सा नृत्य होता है, तो ये बलती नृत्य होता है। नेक्स्ट है, मिड नाइट्स चिल्ड्रेंस ये किसकी बुक है, तो ये आपकी सलमान रुश्दी की है। नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी किसने की थी, तो आपकी गुजरात स्टेट ने की थी। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आपके सोवियत संघ से। नेक्स्ट है, मोहन वीणा के आविष्कारक कौन थे, तो आपका पंडित विश्वमोहन भट्ट जी थे मोहन वीणा के आविष्कारक। नेक्स्ट है, ताजमहल के मकबरे की रूपरेखा किसने तैयार की थी, तो आपके उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपकी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है, मनिका बत्रा ये किस खेल से संबंधित है, तो आपके टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है, सूक्ष्म वित्त संस्थानों की वित्तीय सहयोग और सहायता के लिए कौन से संस्थान खुली है, तो आपका सिडबी। नेक्स्ट है, गणेश चतुर्थी को महाराष्ट्र में सार्वजनिक उत्सव के जो सार्वजनिक उत्सव का जो दिया था मान्यता, वो किसके द्वारा दी गई थी, लोकमान तिलक जी के द्वारा। नेक्स्ट है, सन 2023 तक भारतीय संविधान में अधिकतम कितने सदस्य की अनुमति थी, तो आपका 550 सदस्य की अनुमति थी। नेक्स्ट है, संघ और राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन, तो ये कौन सी सूची में आता है, तो ये आपकी 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त जो फसल है वो कौन सी है, तो आपकी कपास है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 शासन के समय में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटेन बेटन था। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षर दर कितनी थी, तो 65.4%। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में, तो ये किससे संबंधित है, तो आपका हड़प्पा से। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की विधायी संघ संसद है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 104 क्या है आपका, संघ और
संघ एवं राज्य क्षेत्र। नेक्स्ट है भरतनाट्यम है वो किस राज्य से संबंधित है, तो आपका तमिलनाडु से। नेक्स्ट है रामाभाटे ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन नोवल ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपका शशि थरूर जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है जो पहली जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित हुआ था, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में हुआ था पहला जनजातीय खेल महोत्सव। नेक्स्ट है श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किस राज्य ने की है, तो आपकी केरल राज्य ने। नेक्स्ट है एस जानकी क्या थे, तो ये गायिका थी आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है सन 2023 इंटरनेशनल कप फुटबॉल चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुणडेल ये संबंधित है, तो ये भारतीय नृत्यांगना राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित थी, ये आपकी राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित भी थी रुक्मणी देवी अंडोला। नेक्स्ट है भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो आपका 1951 और 52 के बीच में। नेक्स्ट है गोदाम किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपके मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। नेक्स्ट है अलार मिल बल्ली का एक है, तो ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है सन 2023 की डी गुगेश प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये सत्यजन से संबंधित है और इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है डी गुगेश, ये शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर महिला गायक को भारत रत्न मिला हुआ है। नेक्स्ट है जो कालबेलिया है वो किस स्टेट का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका कालबेलिया शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये इनका डांस संबंधित है कालबेलिया से, गुलाबो सफेदा को 2016 में ना पद्म श्री से भी नवाजा गया। नेक्स्ट है बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेक्स्ट है सुरपुर तीर्थ स्थित है, तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ इसके लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी है। नेक्स्ट है 49 आर्टिकल में क्या होता है, तो राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना 49 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है वो कब आया था, तो आपके 1929 में आया था। नेक्स्ट है कानून का शासन ये किसके द्वारा बुक लिखी गई है, तो ए बी डायसी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस स्टेट की थी, तो आपके सिक्किम। नेक्स्ट है एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन है, तो जॉर्ज आर्वेल है। नेक्स्ट है जो शोले 1975 में आई थी उसमें संगीत निर्देशक कौन थे, तो आपके आर डी वर्मन जी थे। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ था, तो आपका ये पुणे यानी महाराष्ट्र के पुणे जिले में हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण। नेक्स्ट है हाई डांस ये किस से संबंधित है, तो आपका उदय शंकर जी से संबंधित है। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आया था, 1930 में डांडी नमक, और जो महात्मा गांधी जी का जन्म है वो 1869 में पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जी की गई थी। नेक्स्ट है स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जी वी मावलंकर जी थे। नेक्स्ट है विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपके राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मृदा सर्वाधिक विस्तार है जलोढ़ मृदा का। नेक्स्ट है लंबाड़ी नृत्य ये आपका बंजारा जनजाति कहती है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है
गुरु निरंजन दाऊद और गुरु रामधारी दास को जो केलुचरण महापात्र पुरस्कार है 2022 का वो मिला है। तो ये आपका उड़ीसा राज्य के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 45 में क्या आता है, तो आपका 6 वर्ष की आय पूरी करने पर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान है 45 आर्टिकल में। नेक्स्ट है जो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो आपकी 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है अम्लान बोरगोहेन ने पुरुषों की 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में एक एक स्वर्ण पदक जीता, तो ये आपके 2023 में जो एथलेटिक्स की हुई है तो फ्लैंडर कप है 2023 में, तो एक एक स्वर्ण पदक जीता है 100 मीटर और 200 मीटर की रेस में। नेक्स्ट है जो 2022 की विजय हजारे ट्रॉफी है वो किस राज्य के किस जिले में आयोजित हुई थी, तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है मल्ल का एक गज़ल कहा जाता है, तो बेगम अख्तर को मल्ल का एक गज़ल कहा जाता है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने और कब की थी, तो आपके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कहाँ है, तो आपका का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान ये सुखवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है 1919 गठित है, तो आपका रॉयल एक्ट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के आदिवासी नर्तक और गायक अर्जुन सिंह धुर्वे को वर्ष 2022 में पद्मश्री से नवाजा गया था या सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कीर्ति सेनन कौन है, तो एक कथक नृत्य प्रशिक्षित है। नेक्स्ट है कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर वर्ष 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच कोणार्क में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है जो आनंद मठ है वो बंगाली उपन्यासकार बंकिम चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है अमन सहरावत अंडर 19 और अंडर 23 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है मालगुड़ी डेज ये आपके किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपकी मालगुड़ी डेज आर के नायर जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम नृत्य ये किस जिले किस राज्य से संबंधित है, तो आपका ये केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट की गई, तो ये आपके 2016 में स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है भारत में कांटेदार वन और झाड़ियों के प्रकार के वनों में ऊँट पाए जाते हैं, तो झाड़ियों और कांटेदार वनों में आपके ऊँट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तीजन भाई पवन विभूषण आपका 2019 में मिला है गायकी और कलाकार के क्षेत्र में, ये किस राज्य से थी, तो ये आपकी छत्तीसगढ़ राज्य से थी। नेक्स्ट है देवदर्शन गोवा सरकार ने नवंबर 2022 में नई योजना शुरू की है। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है पर्युषासना पदवा ये किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है जब भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था तब किसकी सरकार थी, तो आपकी इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय की प्रधानमंत्री भी यही थी। नेक्स्ट है 2011 में भारत रत्न किसको दिया गया था, तो आपका बिस्मिल्ला खान जी को दिया गया था भारत रत्न 2011 में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आपका चंपारण सत्याग्रह है। नेक्स्ट है किस तत्व की छवि साल प्रस के मानचित्र पर दिखाई देती है, तो ये आपके कॉपर की। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मौसिन राम की ये वर्षा होती है। नेक्स्ट है जन्माष्टमी एक हिंदू त्यौहार है जो कि मनाया जाता है, तो भाद्रपद के श्याम पक्ष के 8वें
आठवें मंथ में। नेक्स्ट है रुक्मणी देवी अरुणडेल जी संबंधित है, ये राज्यसभा की सदस्य है और पहली शास्त्रीय नर्तकी थी। नेक्स्ट है पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है, तो महेंद्रगिरी इसका उदाहरण है पूर्वी घाटी का। नेक्स्ट है भारत में आदि शंकराचार्य की 12 फीट की प्रतिमा 2022 में किसके द्वारा अनावरण किया गया था, तो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अनावरण किया गया था। नेक्स्ट है पंडित हरिशंकर चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपकी बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा किस राज्य में कितने परसेंटेज साक्षरता दर थी, तो आपके केरल राज्य में 94% साक्षरता दर, यानी इंडिया के टॉप स्टेट में आता था साक्षरता दर के मामले में। नेक्स्ट है एन राजन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो आपका ये आपका वायलिन से संबंधित है। नेक्स्ट है तलवारबाजी की प्रतियोगिता में एक शब्द यूज होता है बोंट, तो ये आपका तलवारबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या घनत्व कितना था, तो आपका 1106 प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट है भारत अधिनियम 1858 तहत पर ब्रिटिश समाज का शासन स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा कब की गई थी, तो आपके 1961 में। नेक्स्ट है श्री कृष्ण कुमार ये आपके भारत पेट्रोलियम कोऑपरेटिव एलटी लिमिटेड अध्यक्ष, अब शायद ये चेंज भी हो गए होंगे, आप एक बार चेक कर लेना, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल ये कहाँ है, तो आपका कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये आपका तबला वादक थे। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी ने लोगों को जानने के लिए भारत यात्रा की थी, तो ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु भी थे। नेक्स्ट है मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और कर्नाटका का कोलार कहाँ स्थित किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सन 2000 में केलुचरण महापात्रा को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, उड़ीसा राज्य से संबंधित है ये। नेक्स्ट है मलयालम कवि बल्ल थोल मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याण कुट्टी अम्मा ये किस नृत्य से संबंधित है, तो ये आपके मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट है पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया ये किसकी बुक है, तो ये दादाभाई नेहरू जी की है, 1901 में इनका वो हुआ था आई थी ये बुक। जूरिच डायमंड लीग नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था जूरिच डायमंड लीग में। नेक्स्ट है लता मंगेशकर जी को किस सन में भारत रत्न दिया गया था, तो वो सन 2001 में भारत रत्न दिया गया था इन्हें। नेक्स्ट है लता मंगेशकर ए मेरे वतन के लोगों संगीत के निर्देशक कौन थे, तो सी रामचंद्र जी थे। नेक्स्ट है टूट केब एंड अ लिटिल मैलिस आत्मकथा है, ये आपकी सुखवंत सिंह की। नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी की पहचान है, दोस्तों ये पैट के एग्जाम में आया हुआ है, ये आपके 28 की सेकंड शिफ्ट में आया था शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट है निर्मला पड़िकर ये किस नृत्य से संबंधित है, तो आपके मोहिनीअट्टम, इन्हें सन 2019 में नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है भारत ने फाइनल में नेपाल को हराया था 2021 की सेफ चैम्पियनशिप जीती है भारत के द्वारा। नेक्स्ट है 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। नेक्स्ट है उस्ताद बिस्मिल्ला खां ये क्या बजाते थे, तो ये आपके सहनाई। नेक्स्ट है सोनल मान सिंह ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये आपके भारतनाट्यम और उड़ीसा दोनों नृत्य शैली में निपुणता हासिल की थी इन्होंने। नेक्स्ट है सर्वप्रथम
केरल राज्य में मानसून आता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कोयला खनन क्षेत्र कोरबा किस राज्य में, तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। नेक्स्ट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आपके बुक किसके द्वारा लिखी गई, तो आपके अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, राजगीर महोत्सव, ये आपका इतिहास धर्म कला और संस्कृति का सुंदर प्रतिनिधित्व है, तो ये 3 दिन मनाया जाता है बिहार में। नेक्स्ट है, राजघाट स्मारक है, तो आपके दिल्ली में। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में है। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 में भारत ने जीता और कंडक्ट ओमान ने किया था। नेक्स्ट है, मुद्रा भई है जो मुद्रा का काम करे, ये किसने बोला है, तो प्रो वॉकर ने। नेक्स्ट है, सर्वोच्चता की नीति अपनाई गई, तो लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट है, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ला, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा, ये किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, उन्नीस सौ इक्यावन में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो आपका नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट है, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका केरल राज्य है। नेक्स्ट है, अ सूटेबल बॉय, ये किसने लिखी है, तो आपके विक्रम सेठ जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, ज्योति बालाजी ने सन 2023 में एक नया रिकॉर्ड बनाया जो खेल है इंडोर वादा दौड़ में। नेक्स्ट है, उपकार 1967 में फिल्म आई थी, तो उसमें मेरे देश की धरती सोना उगले उगले इसके गायक कौन थे, तो आपके महेंद्र कपूर। नेक्स्ट है, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्नकुलर फ्रेश अधिनियम कब आया था, तो आपका 1878 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट है, काजीनंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपके असम राज्य में है। नेक्स्ट है, सितारा देवी संबंधित है, तो आपके कथन शैली से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आई थी, तो आपके 1997 में आई थी। नेक्स्ट है, मन्नाडे संबंधित है, तो आपके संगीत से संबंधित है। नेक्स्ट है, राठवा नृत्य, ये आपके होली का उत्सव है जो गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कर्नाटक संगीत, ये आपका भारत रत्न प्राप्त पहला संगीतकार एम एस सुब्बुलक्ष्मी कर्नाटक का संगीत किए हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी ये भारत रत्न प्राप्त पहली संगीतकार है। नेक्स्ट है, सन 2023 की विश्व स्क्वैश चैम्पियनशिप आयोजित हुई थी, तो ये आपके भारत के तमिलनाडु राज्य में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी बुक है, ये दोस्तों सोनिया गांधी गलत लिखा है, ये आपकी सानिया मिर्जा जी की है। सानिया मिर्जा है, गांधी नहीं है, सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है, तो आपका रिटिकाका आपकी सबसे ऊंची नौगम्य झील है। नेक्स्ट है, आर्म्स एक्ट और वर्नकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो ये आपका 1878 में आया था। नेक्स्ट है, चपचारकुट, ये किस राज्य का एक त्यौहार है, तो मिजोरम राज्य का एक त्यौहार है। नेक्स्ट है, 1982 में दूसरी बार एशियाई खेलों का उत्सव हुआ था। नेक्स्ट है, अमृता प्रीतम, इनकी एक बुक है पिंजर उपन्यास है। नेक्स्ट है, स्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 में आई थी। नेक्स्ट है, इंडिया गेट की रूपरेखा तैयार की गई थी, तो एडमन लुटियंस ने इंडिया गेट की रूपरेखा तैयार की थी। नेक्स्ट है, रिखमपदा नृत्य है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय शिवाजी और कनक रेले, ये संबंधित है, तो आपके मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट है, कथक पंडित बिरजू महाराज कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, द नेम सेक, ये किसकी बुक है, तो ये आपकी झुंपा लहरी की है, झुंपा लहरी की। नेक्स्ट है, महिला विश्व चैम्पियनशिप 2023 में आयोजित हुई थी, तो आपकी नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, जो आर्टिकल 40 है उसमें क्या है,
तो आपकी ग्राम पंचायतों का गठन है। नेक्स्ट है मैडा लिनी सादाबाई किससे संबंधित है, तो ये भारतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। नेक्स्ट है माधवपुर मेला कहाँ लगाया जाता है, यहाँ पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में। नेक्स्ट है सिलेक्शन डे पुस्तक किसकी है, तो आपकी अरविंद अडिगा की ये बुक है। नेक्स्ट है भरत स्तूप कहाँ है, तो आपका मध्य प्रदेश में। माइक कैम्प, तो ये किसकी आत्मकथा है, ये एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है माइन कॉम्प। नेक्स्ट है द गाइड किसकी बुक है, ये आपकी आर के नारायण। नेक्स्ट है सोनपुर मेला किस मंथ में लगता है और किस दिन और किसके लिए लगता है, तो सोनपुर मेला नवंबर मंथ में लगता है, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पशुओं के व्यापार के लिए सोनपुर मेला लगता है। नेक्स्ट है सांची स्तूप किसके द्वारा नींव रखी गई थी, तो आपके अशोक जी, अशोक के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है पंडित जानकी प्रसाद ये किस घराने से और किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका बनारस घराने से संबंधित है और कथक नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है द्री उत्सव ये आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपके राजा राम मोहन द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है पश्चिमी तट बंदरगाह स्थित है, तो आपका मुंबई बंदरगाह स्थित है पश्चिमी तट पर। नेक्स्ट है रासायनिक आवंधों का बॉल और स्टिंग मॉडल किसके नाम है, ये आपका हुक का नियम है। नेक्स्ट है गजल किंग किसे कहा जाता है, तो जगदीश सिंह को कहा जाता है गजल किंग। डांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है कबड्डी के मैदान की लंबाई कितनी रहती है, तो आपकी ये आपकी 13 मीटर है। नेक्स्ट है एसोचैम 2023 के चेयरमैन है, तो अजय सिंह इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट है भारत में मानसून निवर्तन होता है, तो अक्टूबर नवंबर महीने के दौरान। नेक्स्ट है द जोया फैक्टर किसकी बुक है, तो आपकी अनुजा चौहान की ये बुक है। नेक्स्ट है एन अनसुटेबल बॉय ये किसकी बुक है, तो आपकी करण जौहर की बुक है ये अनसुटेबल बॉय। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये आपके नेपाल देश में है। नेक्स्ट है पहला जनजाति खेल महोत्सव सन 2023 में उड़ीसा में हुआ था। नेक्स्ट है लास्य रूप को कोमल और महिला प्रस्तुति के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है सन 2020 पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेमों का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है काल वैशाखी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है सन 2023 रानी मचैया को लोक नृत्य से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कथक शब्द की उत्पत्ति कथा से हुई है। विंग्स ऑफ फायर आपकी APJ अब्दुल कलाम जी की बुक है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है सन 2011 के केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी, तो केंद्र शासित प्रदेश की थी, तो आपकी लक्षद्वीप की। नेक्स्ट है रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है अजमेर शरीफ ये सूती संत दरगाह है ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की। नेक्स्ट है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट, तो आर्टिकल 173 के तहत क्या आता है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में सोंगी मुखवटे नृत्य है जो असत्य पर सत्य की जीत के लिए। नेक्स्ट है द गाइड ये बुक है 1958 भारतीय लेखक आर के नायर जी की है। नेक्स्ट है अम्बुमाची मेला, वो अम्बुमाची जो मंदिर है यह गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में अम्बुमाची गुवाहाटी के सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से दत्त गोपताल नामक पत्रक के समुदाय से संबंधित है, तो आपकी पारसी से। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज आंदोलन की जोर शोर से आवाज़ और जोर शोर से इसकी वो चली थी, तो 1930 में थी,
नेक्स्ट है मलिका, जो महिलाओं का जो आईपीएल हुआ है पहली बार हुआ है ये 2023 में, तो इसमें मुंबई इंडियंस की जीत हुई है और दिल्ली कैपिटल है वो रनर अप पे थी, यानी हारने वाली टीम थी। नेक्स्ट है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में, द फेल ऑफ अ स्पैरो ये आत्मकथा है आपकी सलीम अली की। नेक्स्ट है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ये आपके बांसुरी से संबंधित है। नेक्स्ट है दादाभाई नेहरू जी ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट है पंडित बिरजू महाराज संबंधित है, तो आपकी कथक से संबंधित है। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन प्लेनेट ड्रम और ग्रैमी पुरस्कार से संबंधित है, ये वो मिला था इन्हें ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट है हेमा मालिनी, ये भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है सन 2023 सेफ चैम्पियनशिप आयोजित हुई थी, तो ये आपके बेंगलुरु में। द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी बुक है, तो ये मिल्खा सिंह की बुक है। पंचम दा ये आर डी बर्मन की है। अनफिनिश्ड अ मेमोर तो ये आपकी प्रियंका चोपड़ा की ये बुक है। नेक्स्ट है मीनाक्षी चित्रंजन भारतनाट्यम से संबंधित है। कुमकुम धर ये आपकी कुचिपुड़ी से संबंधित है। त्रिलोचन मोहंत ये आपकी छऊ नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है लेबंग बुमानी नृत्य ये फसल उत्सव है त्रिपुरा राज्य का। नेक्स्ट है दिवेई भाषा मालदीव में बोली जाती है। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो ये आपके 118 तत्व हैं। नेक्स्ट है पंडित भीमसेन जोशी ये किस घराने से संबंधित है, तो आपके किराना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट है मेहरी नृत्य और गोतीपुआ नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है, तो आपके उड़ीसा राज्य से। सांची स्तूप ये आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी बुक है, तो एल के आडवाणी जी की, यानी लाल कलिष्ट आडवाणी जी की है। नेक्स्ट है टी एन राजरत्नम पिल्ले तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो नादस्वरम वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था, तो आपके 1929 में आया था। नेक्स्ट है कालिदास सम्मान है वो किस राज्य के द्वारा दिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट है 51 आर्टिकल किसके तहत आता है, वो 51 आर्टिकल में क्या आता है, तो भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन मैग्रोव वन है। नेक्स्ट है श्री जगन्नाथ जी मेला कहाँ लगता है, तो ये आपका अलवर में लगता है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कब हुआ था, तो कुंवर सिंह। नेक्स्ट है नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है सन 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात सबसे कम आपका दमन और दीप का था। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम शाब्दिक अर्थ है, तो जादूगरनी का नृत्य है मोहिनीअट्टम। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिशु कुमार योजना ये आपका लैपटॉप दिया गया था मध्य प्रदेश के द्वारा ये स्कीम थी। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो नेल्सन मंडेला की ये आपकी बुक है। नेक्स्ट है तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसे ही हमें मेनू कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। महाबोध मंदिर ये आपके बोधगया में स्थित है। नटवरी डांस ये कथक से संबंधित है। पंडित रविशंकर ये किससे संबंधित है, तो ये आपके सितार से संबंधित है। पद्मजा टेडी यानी 2022 में कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है, पद्मश्री से सम्मानित है। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई आपकी 1761 में हुई थी। नेक्स्ट है बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने के किस मंथ में मनाई जाती है, तो बैसाख में। नेक्स्ट है गोवा और नोआमुड़ी ये आपकी झारखंड खदान है। नेक्स्ट है पुरुष हैंडबॉल खेल में बॉल का भार कितना रहता है, तो आपका 425 ग्राम से 475 ग्राम तक। नेक्स्ट है
बौद्ध कला का सबसे पुराना स्तूप है तो आपका सांची स्तूप है। नेक्स्ट है, यक्षगान किससे संबंधित है तो आपका कर्नाटका राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, रोशन कुमारी, सोमना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया प्रख्यात हैं, ये कथक से संबंधित है, नृत्य से। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त ये पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न से सम्मानित है। नेक्स्ट है, भीतर गांव का ईंटों वाला मंदिर है ये आपका उत्तर प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी त्वांस गो के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है, मंदारिन चीन की भाषा है। आर्टिकल 149 में क्या है तो के कर्तव्य एवं शक्तियाँ हैं। 1995 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की स्थापना हुई थी। आर्टिकल 23 में क्या है, शोषण के विरुद्ध। दीपिका पल्लिकल ईश्वर से संबंधित है। नेक्स्ट है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, 86वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था तो 6 से 14 वर्ष तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा थी। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। तो दोस्तों, ये हमारी मैराथन वीडियो कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ। आगे भी एक और मैराथन साइड वीडियो में डालूँ, इसके बाद जो मैंने अभी टेस्ट बनाया है 40, उस पर काम चल रहा है आपका। मैं सोच रहा हूँ 12-13 तक मैं कंप्लीट 40 टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस फील हो। और एग्ज़ाम अब के आपके बिल्कुल नज़दीक है, तो सारी की सारी वीडियो आपको देखनी है रोज़ाना। एक दिन में पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएंगी। टेस्ट तो हमारे 12 से 14 मिनट के हैं, कोई कोई तो 7 मिनट का है, कोई 4 मिनट का है, कोई 5 मिनट का है। तो वो सारी की सारी वीडियो आपको देखनी है, कहीं उधर उधर नहीं भागना है। दोस्तों, ये आपके फ़ायदे के लिए बनाए गए टेस्ट हैं, इसमें ना ही मेरा कुछ मैं आपको कह दूँ कि यार ये बेकार की चीज़ें या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड और बेस्ट कंटेंट, ये खुद मेरे द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। आपको खुद कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हाँ यार, प्रीवियस ईयर से लिए गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको अपनी तैयारी और अपनी सफलता ये आपके खुद के हाथ में। आप अच्छी तैयारी करोगे, आपकी सफलता आपके पीछे भागेगी, सीधी सी बात है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। मेरा समझ में ये नहीं आ रहा, आप वीडियो देख के चले जाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा कैसे चलेगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कम से कम, जिससे कि आपको आने वाली जो वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जो एक घंटी सी दिख रही होगी सब्सक्राइब के सामने, उसे क्लिक कर दें तो आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपके जितने भी मित्र हैं, जितने भी आपके ग्रुप हैं टेलीग्राम पे कहीं भी हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। किसी का तो पहले दिन ही रख दिया, किसी का 4-4, 5-5 दिन बाद, किसी का 20वें दिन में। तो सभी को यार फ़ायदा मिलना चाहिए इस वीडियो के ज़रिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।